सुरंग है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्यादा गहराई में जाना मना है। आगे की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, काफी काफी गहरी सुरंग है। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ और आज हम पहुंचे हैं लक्ष्य ग्रह में। आप देख सकते हैं सामने बोर्ड लगा हुआ है, लाखा मंडप बागपत मेरठ मंडल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आपका स्वागत करता है। तो आज हम आपको दिखाएंगे लक्ष्य ग्रह। आपने सुना होगा लक्ष्य ग्रह के बारे में, वही हम आपको आज यहाँ दिखाने के लिए हमारी टीम यूपी के बागपत में पहुंची है और आप देख सकते हैं यहीं से वो लक्ष्य ग्रह स्टार्ट होता है, जहां पर पांड और कौरवों का जो महाभारत युद्ध हुआ था उसमें पांडवों को यहां पर लक्ष्य ग्रह के अंदर जलाने की कोशिश की गई थी और वो यहां से सुरक्षित निकल गए थे। हम आपको एक संरक्षित स्मारक स्थल का जो नोटिस है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है इसके अंदर और देखिए, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। हम आपको दिखाएंगे एक बार, वीडियो को आप शेयर ज़रूर करते हैं लगातार लक्ष्य ग्रह के बारे में। अगर जिसको भी जितनी जानकारी है वो हमें कमेंट के माध्यम से बताते रहें तो हम आपको लक्ष्य ग्रह के बारे में आज बताएंगे और वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर पांडवों को जलाकर मारने की कोशिश की गई थी एक षड्यंत्र के तहत। तो महाभारत युद्ध हुआ था और उसमें पांडव थे वो यहाँ से सुरंग बनाकर माना जाता है कि सुरक्षित निकल गए थे। ये वो गुमंद आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यही वो गुमंद है जहाँ से वो सुरंग स्टार्ट हुई थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं रियल न्यूज़ हरियाणा पर लक्ष्य ग्रह की तस्वीरें। पुराने समय की बात है और तो पांडवों को कौरवों के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत इसी लक्ष्य ग्रह में जलाकर मारने की कोशिश की, लेकिन पांडवों को पता चल गया था और उन्होंने एक सुरंग के माध्यम से यहाँ से निकल चुके थे और वो सुरक्षित अज्ञातवास जो उनका चल रहा था वो काटने में सफल हुए थे। तो आप देख सकते हैं रियल न्यूज हरियाणा पर हम आपको लक्ष्य ग्रह की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में हर एंगल से हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि खंडर हो चुका है, काफ़ी पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं आप देख सकते हैं काफ़ी पुरानी वो बिल्डिंगें हैं। छोटी छोटी जो बिल्कुल छोटी छोटी ईंटें थी उनको ये जोड़कर देखिए बनाया गया है लक्ष्य ग्रह को, कितना डिज़ाइन के रूप में ये उससे मैं का बनाया हुआ है। देखिए बिल्कुल छोटी छोटी ईंटों से डिज़ाइन निकाल कर बनाया गया है, हम आपको ये दिखा रहे हैं। खंडर हो चुका है, खंडर हो चुका है, लेकिन कुछ जो अभी उसकी जो बिल्डिंग्स है बची हुई है, जो पुरातात्विक विभाग है भारत का उसने इसको बचा के रखा है। हम एक बार बाहर का दृश्य भी आपको दिखा देते हैं इसके चारों तरफ का। आगे भी देखिए काफ़ी यहाँ जंगल है, जंगल से निकलकर आगे भी हम जाने की कोशिश करेंगे और हर एंगल से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसको यहाँ पर बनाया गया था। काफ़ी ऊंचाई पर है ये और देख सकते हैं आप काफ़ी गहराई है यहाँ पर, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। नीचे देख सकते हैं कितनी गहराई में ये जो आपको तस्वीरें दिख रही हैं जंगल है और ये काफ़ी ऊंचाई पर लक्ष्य ग्रह है। और देखिए इस साइड में ये एक फरस लगाया हुआ है, चौतरा नुमा यहाँ बनाया गया है, देख सकते हैं किस तरह से। और हम आपको दिखाएंगे कि कितना पुराना ये तो लक्ष्य ग्रह महाभारत युद्ध के समय में इसको तैयार किया गया था। आप देख सकते हैं तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग एंगल से लक्ष्य ग्रह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देख सकते हैं रियल न्यूज़ हरियाणा पर। जिसके बारे में जिसको भी जितनी जानकारी है वो एक बार हमें कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश करें, जो भी लक्ष्य ग्रह के बारे में जितना जानता है। तो हम आपको ये लक्ष्य ग्रह बागपत यूपी से तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं रियल न्यूज़ हरियाणा पर। एक पुरातात्विक जो विभाग है उसने इसको संभाल कर रखा है
ये इधर देखिए आप, इस तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ भी इस तरफ भी जंगल है और दीवारें निकाली गई हैं जंगल के बीच से, देख सकते हैं तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी खंडर हो चुका है इसको, चारों तरफ से इस तरह से किलेबंदी इसकी की गई थी। तो हम आपको ये जो तस्वीरें हैं वो लक्ष्य ग्रह की जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से इसको यहाँ निर्मित किया गया था जंगल के बीच में, और पांडवों को यहाँ पर जो जलाकर मारने की कोशिश की गई थी, देख सकते हैं तस्वीरों में उसी लक्ष्य ग्रह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खंडर हो चुका है लेकिन पुरातत्व विभाग द्वारा इसे बचा कर रखा गया है, वही लक्ष्य ग्रह है। महाभारत काल का, महाभारत काल के जो ये लक्ष्य ग्रह है ये खंडर हो चुका है। ये देखिए सिर्फ और सिर्फ दीवारें ही इसकी बची हैं जो, और सिर्फ पुरातत्व विभाग द्वारा दीवारों को भी सुरक्षित रखा गया है और इसका सिर्फ एक ढांचा ही बचा है। देख सकते हैं तस्वीरों में जो लक्ष्य ग्रह था वो बिल्कुल यहाँ पर नष्ट ही, हम मानेंगे कि नष्ट हो चुका है, लेकिन उसका जो ढांचा है सिर्फ वो ही बचा है और उसी को पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ पर बचा के संरक्षित रखा गया है। देखिए तस्वीरों में पुराने दरवाजे किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया था, देख सकते हैं अंदर की तस्वीरें हैं, देखिए आप देख सकते हैं। और शेयर ज़रूर करें, शेयर करते रहें। एक अलग अलग ही तरीके से इसको निर्मित किया गया था, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। देखिए ये बिल्कुल खंडर हो चुका है और बहुत ही ऊंचाई पर है ये जो हमने आपको दिखाया, और सिर्फ जो इसका एक हिस्सा बचा है वो है ये गुमद, सिर्फ गुमद है और इसको पुरातत्व विभाग द्वारा सुरक्षित किया गया है। देखिए पहले इन ईंटों से बनाया गया था, छोटी ईंटों से, अंदर से हम आपको दिखाएंगे गुमद किस तरह से। तो सुरंग मार्ग पर हम जा रहे हैं, उस सुरंग की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए गुफा मार्ग पर हम जा रहे हैं, जो सुरंग थी वो दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। तो हम उसी सुरंग की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ से, तो उसी सुरंग की ओर हम बढ़ रहे थे। तो वो ये देखिए, ये है वो सुरंग जहाँ से पांडवों ने यहाँ से निकलकर अपनी जान बचाई थी। बहुत गहरी सुरंग है, इसके अंदर हम नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर पाबंदी लगाई हुई है, एंट्री इसके अंदर नहीं कर सकते। रियल न्यूज हरियाणा आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है, वो सुरंग दिखा रहा है जहाँ से लक्ष्य ग्रह से अपनी जान बचाकर पांडव यहाँ से निकले थे। बहुत गहरी सुरंग है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा गहराई में जाना मना है। आगे की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, काफ़ी गहरी सुरंग है और यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो चुका है, काफ़ी गहराई के अंदर हम आ चुके हैं देखते देखते, और ऑक्सीजन लेवल है जो बहुत ही कम हो चुका है और हमें वो यहाँ से वापस निकलना होगा। इसी सुरंग के माध्यम से इन्होंने यहाँ पर जान बचाई थी पांडवों ने, देख सकते हैं तस्वीरों में हम आपको ये सुरंग दिखा रहे हैं। देखिए बहुत गहरी सुरंग है, उस सुरंग के अंदर ज़्यादा गहराई में जाना मना है। तो आप देख सकते हैं यही वो सुरंग है जिसके माध्यम से पांडवों ने अपनी जान बचाई थी, काफ़ी गहरी सुरंग है, देख सकते हैं आप तस्वीरों में बहुत गहरी सुरंग।
यही वो रास्ता है जहां से पांडवों ने अपनी जान बचाई थी। देखिए बहुत ज्यादा, देखा देख सकते हैं, ज्यादा अंदर हम नहीं जा सकते, ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम हो चुका है। बहुत गहरी सुरंग है, हम एंट्री कर रहे हैं और देख सकते हैं तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वही सुरंग है जहां से पांडवों ने अपनी एक और, यहाँ से जो रास्ता था वो आगे की ओर मुड़ रहा है और यहाँ ज्यादा एंट्री करना मना है। देख सकते हैं तस्वीरों में बहुत गहरी सुरंग और बहुत ज्यादा अंधेरा इसके अंदर है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, शेयर करते रहें और आगे की आगे कमेंट के माध्यम से हमें जो भी जानकारी आपके पास है वो देते रहें। देखिए काफी खंडर हो चुकी है ये सुरंग, लक्ष्य ग्रह की सुरंग। तो दोस्तों ये देखा आपने लक्ष्य ग्रह और ये गुमंद आपको दिखाया, लक्ष्य ग्रह जहाँ पर महाभारत काल के समय पांडवों को जलाकर मारने की कोशिश की गई थी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी तो एक बार शेयर ज़रूर करें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि लक्ष्य ग्रह के बारे में जितनी भी आपको जानकारी है वो एक बार हमें आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से दें। तो लक्ष्य ग्रह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और लक्ष्य ग्रह के अंदर काफ़ी संख्या में बजरंगबली हनुमान जी की जो बंदर सेना है वो यहाँ पर रहती है। तो एक बार कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक बने रहें रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ।